अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस आईएएस जर्नल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1। अब पहले आप लोगों ने किया था, कुछ ऐसे की भी टाइप्स की थी। सो व्हाट इज जर्नल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1? अब अगर टास्क 1 की बात करें, यू हैव 3 टाइप्स ऑफ लेटर। द फर्स्ट वन इज फॉर्मल, देन इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर। अब दिस इज फॉर्मल लेटर। फॉर्मल मीन दैट यू आर राइटिंग अ लेटर टू समवन यू डोंट नो। जिस बंदे को आप नहीं जान रहे होते, आप उसको लेटर लिखते हैं। अगर हम सेमी फॉर्मल की बात करें, सो सेमी फॉर्मल लेटर मीन्स यू नो दैट पर्सन बट यू कांट बी इनफॉर्मल विद दैट वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने प्रोफेसर को लेटर लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर टीचर, आप उसको बहुत अच्छी तरह से जान रहे होते हैं, बट यू कांट बी इनफॉर्मल विद दैट पर्सन। लास्ट वन इज वी हैव इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल मीन टू समवन यू नो वेल, हुज फर्स्ट नेम यू नो एंड यूज। अब इनफॉर्मल का मतलब ये है कि आप किसी बंदे को जान रहे होते हैं, बट यस, बहुत अच्छी तरह से जान रहे होते हैं, आप उससे इनफॉर्मली बात भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर क्लोज रिलेटिव, टू योर बेस्ट नेबर एज वेल। अगर आप किसी के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको लेटर लिख रहे हैं, इट विल बी एन इनफॉर्मल लेटर। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर इन आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 फॉर जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंसेस की बात की जाए, या ओपनिंग इसकी एंडिंग कैसे करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज, अगर हम बात करें लेटर स्टार्ट कैसे करते हैं, जो फॉर्मल लेटर है ये कैसे स्टार्ट होता है, डियर सारा मैडम, क्योंकि आपको नहीं पता होता आइदर ही कि वो मेल है या फीमेल है। क्योंकि फॉर्मल लेटर, जैसे आप बैंक में लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग अ लेटर फॉर एनी जॉब वैकेंसी, तो आपको नहीं पता कि ये आप किसको लिख रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी विल यूज डियर सर स्लैश मैडम। और इसको एंड कैसे करेंगे, योर्स फेथफुली, बिकॉज दिस इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट। फॉर्मल स्टेटमेंट के साथ आप इसको एंड करेंगे। एंड सेमी फॉर्मल लेटर मीन, सेमी फॉर्मल लेटर इसका मतलब यह कि आप ऑब्वियसली, अगर आप सेमी फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर टीचर, आप उसका नेम पता है, यू विल राइट हर नेम एज वेल, आप उसका नाम यूज़ करेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे। लास्ट नेम जैसे यहाँ पे क्या है, डियर मिस्टर ब्राउन, डियर मिस स्टोन, इट मीन्स दैट यू विल राइट मिस्टर और मिस। अगर आप मेल फीमेल किसी भी बंदे को लिख रहे हैं, मिस्टर और मिस को ये आप ये यूज़ करेंगे साथ में, बिकॉज यू आर शोइंग रिस्पेक्ट एज वेल, आप उसको रिस्पेक्ट भी शो कर रहे हैं। नाम इसलिए लिखेंगे कि क्योंकि आपको उस बंदे का नाम पता है। एंडिंग कैसे करनी है, योर्स सिंसियरली, ये भी फॉर्मल एंडिंग होगी, बिकॉज वी आर शोइंग रिस्पेक्ट। इनफॉर्मल लेटर मीन, इनफॉर्मल के स्टार्ट में आपने करना है डियर, देन उस बंदे का फर्स्ट नेम। कोई भी है, आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोलीग है, जिसको भी आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं डियर, उसके बाद आपने डायरेक्टली उस बंदे का नाम लिख लेना। और एंड कैसे करना है, विद इनफॉर्मल स्टेटमेंट्स लाइक वार्म विशेस, बेस्ट रिगार्ड्स, वार्म विशेस, या आप यहाँ पे कुछ भी और कोई इनफॉर्मल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब अगर बात करें राइटिंग की, ईच राइटिंग हैज़ डिफरेंट स्टाइल, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इन तीनों का स्टाइल डिफरेंट है। स्टाइल डिफरेंट कैसे है कि इनकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी है। अगर हम फॉर्मल लेटर की बात करें, व्हेन यू आर आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, अप्लाइंग फॉर अ जॉब, मेकिंग सजेशन, कंप्लेनिंग टू अ बैंक, देन यू विल बी यूजिंग फॉर्म। आपके पास फिर वो जो लेटर की कैटेगरी है ना, वो फॉर्मल लेटर होगी, क्योंकि आप उन बंदों को उन ऐसी जगह पर अप्लाई करें जहाँ पर आपको फॉर्मली लिखना पड़ता है। जैसे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऑब्वियसली यू हैव टू बी फॉर्मल, आप वहाँ पे इनफॉर्मली बात नहीं कर सकते। अगर सेमी फॉर्मल की बात करें, अरेंजिंग अकोमोडेशन, आस्किंग फॉर परमिशन, कंप्लेनिंग टू अवर लैंडलॉर्ड, आप लैंडलॉर्ड से जैसे आप बात करते हैं, लैंडलॉर्ड किसको कहते हैं, मालिक मकान, ठीक है। अगर आप अपने मालिक मकान से बात कर रहे हैं, उसके साथ कोई कंप्लेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट वुड बी अ सेमी फॉर्मल लेटर। आपको उस बंदे का नाम भी पता है, लेकिन आप उसके साथ फॉर्मल नहीं हो सकते। सेम इज केस विद मेकिंग अ सजेशन एंड बुकिंग अकोमोडेशन। इनफॉर्मल की बात करें, इनवाइटिंग अ फ्रेंड, अब देखिए इनफॉर्मल में फ्रेंड का वर्ड आ रहा है हर उसमें, इनवाइटिंग अ फ्रेंड, एडवाइजिंग अ फ्रेंड, अपोलोजाइजिंग टू अ फ्रेंड, जहाँ पे आपके पास फ्रेंड का वर्ड आएगा, इट मीन दिस इज इनफॉर्मल लेटर, क्योंकि फ्रेंड के साथ आप बात ही इनफॉर्मली करते। ओके, फर्दर मूव करें, वी हैव एयरलाइन, इनफॉर्मिंग एन एयरलाइन, then same again we have applying for job, making recommendations and complaining about a product, explaining to a neighbor, ab neighbor se koi cheez baat karenge jo aap usse agar informally baat nahi kar sakte aur formally bhi nahi kar sakte to aapke ka letter kaun sa hoga, it would be a semi formal letter।
making a suggestion and asking for permission as well. Then again, we have informal letters. आपके पास यहाँ पे हर जगह पे आप देखेंगे कि friend का word ही use हुआ है, friend का word use हुआ है, या फिर कोई ऐसा जब भी आपके पास letter आता है, आपको उसकी statement देख के समझ आ जाती है कि either this is formal letter, this is informal, or this is semi-formal letter. अब जो letter है journal training का, the first thing is that you should spend at least 20 minutes on writing task 1. Either this is for academic candidates, either for this is for the general training. दोनों का जो भी writing task है आपको उस पर 20 minutes spend करने होते हैं, क्योंकि जो writing task 2 है उसकी weightage जो है वो ज़्यादा होती है. अच्छा, the second thing is you have to write at least 150 words. आप 150 words लिखेंगे and you have no need to write an addresses. Address जो हैं कि जैसे पहले हम लेटर में लिखते थे, पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखते थे, आपने इस लेटर में, आइल्स के लेटर में आपने एड्रेस को मेंशन नहीं करना. और आपका लेटर स्टार्ट कैसे होना चाहिए? डियर सर और मैडम, इफ़ दिस इज़ अ फॉर्मल लेटर, देन डियर उस बंदे का डायरेक्ट नाम, फॉर एग्जांपल वी हैव डियर अली कह लें, डियर जॉन कह लें, सो दिस इज़ अ इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल में डायरेक्ट नाम लिखेंगे. अगर आप सेमी फॉर्मल लिख रहे हैं तो डियर लिख के आगे मिस्टर या मिस लिखें और उस बंदे का नाम लिख लें. अच्छा, आज हमने जो करना है दैट इज़ अ फॉर्मल लेटर. अब मैं आपको बताती हूँ कि एक फॉर्मल लेटर लिखते कैसे. फॉर्मल की मैंने आपको बताया कि फॉर्मल मीन यू डोंट नो दैट पर्सन, यू डोंट नो इवन द फर्स्ट और लास्ट नेम ऑफ दैट पर्सन. आपको फर्स्ट नेम भी नहीं पता, लास्ट नेम भी नहीं पता, और आप फॉर्मली बात कर रहे होते. आई हैव एक्सप्लेन डिफरेंट लाइक टाइप्स मैंने बताई हैं कि कहाँ कहाँ पर फॉर्मल सिचुएशन हो सकती है. ये अक्सर एक लेटर है. You recently stayed in a hotel in a large city. The weather was very unusual for the time of year and the heating cooling system in the hotel was quite inadequate. Write a letter to the manager of the hotel in your letter. Give details. अब वो कह रहे हैं कि आप एक होटल में रहे in a large city और वहाँ पर जो heating और cooling system था वो अच्छा नहीं था. आपने क्या करना है, होटल की मैनेजमेंट को एक लेटर लिखना है. होटल मैनेजर को क्या लेटर लिखेंगे? Give details of what went wrong, कि क्या गलत था, ठीक है. And the second thing is explain what you had to do to overcome the problem at that time. कि आपने ये बताना है कि आपने उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया, कैसे उसको हैंडल किया. And then what action you would like the manager to take. आप मैनेजर से क्या चाहते हैं कि उसको किस तरह के actions लेने चाहिए, क्या उसको step लेने चाहिए कि वो अपना system को improve कर सके. अब अगर लेटर की बात करें, द फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू राइट एट लीस्ट 150 वर्ड्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. दूसरी चीज़ क्या है कि आपको एड्रेस नहीं लिखना. यू विल स्टार्ट योर लेटर विद डियर सर मैडम. अब देखें, स्टेटमेंट से ही हमें समझ आ रहा है कि वी हैव टू राइट अ लेटर टू द मैनेजर, मैनेजर ऑफ द होटल. अब अगर आप सपोज किसी होटल में रहते हैं, आपको मैनेजर को लेटर लिखना पड़ जाए, आपको नहीं पता होता कि मैनेजर का ओनर कौन है. रिसेप्शन पे तो बहुत सारे स्टाफ, मतलब स्टाफ होता है, रिसेप्शन स्टाफ, बट यू डोंट नो अबाउट द मैनेजर. आप मैनेजर को लेटर लिखेंगे, यू डोंट नो आइदर ही इज़ फीमेल और मेल, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डियर सर स्लैश मैडम. देन ये इसका प्रॉपर पैटर्न है कि हम इसको लिखते कैसे. डियर सर मैडम के पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि एक लाइन आप खाली छोड़ दें, ब्लैंक लाइन, वन हेयर वी हैव वन ब्लैंक लाइन. देन दिस इज ओपनिंग पैराग्राफ. ओपनिंग पैराग्राफ में हम क्या करते हैं कि वी विल मेंशन द रीज़न दैट व्हाई वी आर राइटिंग अ लेटर. कोई भी लेटर आप लिखते हैं, आप फर्स्ट पैराग्राफ, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओपनिंग पैराग्राफ. ओपनिंग पैराग्राफ में हम रीज़न मैंशन करेंगे कि हम लेटर को लिख क्यों रहे. फॉर एग्जाम्पल, व्हाई यू आर राइटिंग, आप कंप्लेन करने के लिए लिख रहे हैं. आई एम राइटिंग इन कनेक्शन विद माई रिसेंट स्टे एट द फोर सीजन्स इन लंडन इंग्लैंड. अब ये लंडन इंग्लैंड क्या, यहाँ पे फोर सीजन्स होटल का नाम है. अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू मैल फंक्शनिंग हीटर इन माई रूम, आई स्पेंड थ्री मिजरेबल नाइट्स एट योर होटल फ्रॉम अप्रैल 26 to 29, 2010. नाउ दिस इज ओपनिंग पैराग्राफ. हमने रीज़न मेंशन करनी होती है फर्स्ट पैराग्राफ में कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं. कोई भी लेटर होगा, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल, वी विल राइट द रीज़न इन द फर्स्ट पैराग्राफ. हमने रीज़न मेंशन की दैट व्हाई वी आर राइटिंग, क्योंकि हमें इशू था कहाँ से, मैल फंक्शनिंग हीटर इन द रूम. अब वो कह रहा है कि मैंने इतने टाइम गए और वो आपके जो कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम थी दैट वॉज इनएडिक्वेट. दिस इज बॉडी पैराग्राफ. अब ये आ जाता है हमारे पास बॉडी पैराग्राफ. ये आप दो बॉडी पैराग्राफ भी बना सकते हैं, एक भी, आप पे डिपेंड करता है.
बेहतर ये कि लेटर है, सो लेटर में आप एक ही बनाएं. सो इन दिस इज बॉडी पैराग्राफ. इन द बॉडी पैराग्राफ यू विल गिव डिटेल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. आपने अपने वर्ड लिमिट भी देखनी है कि आपने 150 वर्ड पूरे करने, सो उस हिसाब से आप कंप्लीट डिटेल देंगे. देखिए जैसे इसने स्टार्ट किया है कि व्हेन आई अराइव्ड इन लंदन देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड स्नो स्टॉर्म. आई अंडरस्टैंड इट डजंट यूजुअली स्नो इन अप्रैल, हाउएवर व्हेन आई गॉट इन माय रूम देयर वाज नो हीट. अब वो कह रहा है कि जब मैं होटल में गया तो हीट या हीटिंग का कोई सिस्टम नहीं था. आफ्टर कंप्लेनिंग अ टेक्नीशियन वाज सेट अप सेंट अप हु इन्फॉर्म मी दे हैड टू इंस्टॉल अ न्यू हीटिंग यूनिट. व्हेन आई आस्क्ड टू बी मूव टू अनदर रूम आई वाज टोल्ड द होटल वाज कम्प्लीटली बुक्ड. अब वो कह रहा है कि कम्प्लीट उसने डिटेल दी है ए टू जी कि कैसे कैसे लाइक उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े हैं और वहाँ पे उसने फिर अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किए. लास्ट पे अगर आप जाएंगे, लास्ट पे जाके वो ये कहेगा कि उसको होटल मैनेजमेंट से क्या चाहिए. अब वो क्या कह रहे हैं, सो इफ यू लुक एट दिस पोर्शन, ये देखिए, आई आस्क दैट यू रिफंड माई मनी राइट वे एंड ऑफर मी अ फ्री मोर कम्फर्टेबल स्टे इन वन ऑफ योर फाइनर सूट्स इन द फ्यूचर इफ नॉट आई एम प्रिपेयर टू टेक माई कंप्लेन टू हायर अथॉरिटी. अब लास्ट, पहले मैंने आपको बताया आप रीजन मैंशन करेंगे दैट वाई यू आर राइटिंग, देन बॉडी पैराग्राफ गिव डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. लास्ट पैराग्राफ में आप ये बताएंगे कि जिस बंदे को आप लेटर लिख रहे हैं, सपोज हियर इन दिस लेटर यू आर राइटिंग अ लेटर टू अ मैनेजर, आप ये देखेंगे कि वट यू वॉन्ट टू एक्सपेक्ट, आप क्या चाहते हैं उस बंदे से. आप क्या चाहते हैं, यू वॉन्ट रिफंड ऑफ मनी और आप ये चाहते हैं कि कम्फर्टेबल एक रूम दिया जाए वन मंथ के लिए कि आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहें, जो आपकी कॉस्ट लाइक जो आप ऑलरेडी आपका लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट किया जाए. एंड कैसे करेंगे, वन ब्लैंक लाइन अगेन, देन आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एट द अर्लीस्ट, फिर आपने एक लाइन छोड़ देनी है एंड योर्स फेथफुली एंड योर नेम हियर. व्यूअर्स फेथफुल के बाद आपने कॉमा लगाना है, फिर आपका अपना नाम. अच्छा, पहले जो हम लेटर लिखते थे ना, कोई भी लेटर था, आइदर दिस इज फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो जैसे डियर सर और मैडम हमने लिखा है, डियर सर और मैडम के बाद जो आई एम था वो यहाँ से स्टार्ट होता था, बट नाउ यू हैव टू स्टार्ट लेटर हेयर. ये कम्प्लीट सीक्वेंस में आना चाहिए, ये डियर का डी एंड आई एक लाइन में होना चाहिए, डियर सर और मैडम के बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़ दें बॉडी पैराग्राफ, उसके बाद हमारे पास ये यूअर्स भी यहाँ पे आ रहा है, इधर नहीं लिख देना. अगर आप यहाँ पे लिखेंगे आपकी स्ट्रक्चर जो है उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे, आपके अच्छे स्कोर पे नहीं आए. एंड द सेकंड थिंग इज इफ यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर यू हैव टू यूज फॉर्मल वर्डिंग. फॉर्मल वर्डिंग यूज करेंगे, फर्स्ट थिंग जो ग्रीटिंग्स होती हैं वो आपने नहीं लिखनी. ग्रीटिंग्स क्या होती हैं, जैसे आप अगर लेटर लिखते आई होप यू आर फाइन, ये चीज़ें आपने फॉर्मल लेटर में नहीं लिखनी, ये सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल में लिख सकते हैं. या एंड द लास्ट थिंग इज डोंट यूज कंस्ट्रक्शंस हियर. अब कंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि जैसे आई जैसे कांट है, सी ए एन टी कांट, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, ये है, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्शन. आपने अगर लिखना है फॉर्मल लेटर में या आयल्स के ऐसे में तो आप इसको कैन नॉट लिखेंगे, कांट नहीं लिख सकते. यू कैन यूज़ कांट इन इनफॉर्मल लेटर. थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.